चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अब जिला राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रहे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अभी आगे आया है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अब जिला राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रहे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अभी आगे आया है, जिसमें चिकित्सालय में होम्योपैथिक ह्यूमैनिटी बूस्टर डोज किट का वितरण किया जा रहा है। मैडम, बात की जाए तीसरी लहर की दस्तक चित्तौड़गढ़ में भी हो चुकी है, होम्योपैथिक चिकित्सालय की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है इसके लिए? गवर्नमेंट होम्योपैथिक चिकित्सालय से, मैं डॉक्टर भारती सिंगल, हमारे निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग से ये निर्देश आए हुए हैं कि तीसरी लहर कोविड कोरोना की अब वापस शुरू हो गई है, उससे बचाव हेतु लोगों में एवं जागरूकता फैलाने के लिए हमारे यहाँ से इम्यूनिटी बूस्टर डोज लोगों में, आमजन में, अधिकारियों में और जो भी ऑफिशियली चल रहे हैं, संस्थाएँ चल रही हैं, विद्यालय स्कूल जो खुले हुए हैं, बच्चों में बचाव हेतु हम इम्यूनिटी बूस्टर किट डोज जो है आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण कर रहे हैं। ये हमारे ओपीडी समय में 9 से 3 चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध है, आमजन इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने ऑफिसर्स, ऑफिस विभाग हैं या संस्थाएं हैं, वहाँ के लोग, वहाँ हम निःशुल्क दे रहे हैं। उसके अलावा भी जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है तो हम लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि वो इस स्वास्थ्य लाभ उठाएँ, ताकि जितने लोगों में इन दवाएँ वितरित हो पाए उतने लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। किया गया आज, हमने आज से इसका शुभारंभ, वैसे इसका शुभारंभ 4 जनवरी से हमने कर लिया था हमारे चिकित्सालय परिसर में, ओपीडी में, लेकिन आज बाहर हमने कलेक्टर परिसर में कलेक्टर सर, एडीएम सर, एसडीएम सर, टीओ सर, सीईओ सर एवं जेडी डीओ आईटीसी जेडी सर एवं उनके विभाग में आज हमने 300 किट लगभग वितरित किए हैं। आज से हमारा बाहर भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। इस तरीके से इन सेवाओं को फैलाएंगे एवं लोग आमजन तक फैलाएंगे एवं दवाओं का वितरण करेंगे।